प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। वादग्रस्त ट्विट्समुळे सातत्याने चर्चेत राहणारी अभिनेत्री कंगना रणावतचं ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करण्यात आलं आहे। गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने कंगना आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून वादग्रस्त वक्तव्य करत होती आणि त्यावर आता ट्विटरने कारवाई करत तिचं अकाउंट सस्पेंड केलं आहे। कंगना रणावत ही बंगालमध्ये घडलेल्या घडामोडींवर बोलत होती। हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से भाई क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और खड़ा से कड़ा कदम लीजिए। ब्यूरो न्यूज इंडिया, अब तक न्यूज मराठी। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। आजकाल बाहेर गर्दीत जाऊन चिकन खरेदी करणे म्हणजे मोठी रिस्क आहे यार। अरे चिकन खायचं आहे मग टेंशन कशाला घेतो, बोला चिकन आहे ना। बोला चिकन आपल्या जळगावचे आपले ऍप आहे जे चिकनची पूर्ण हायजीन पाळून डिलिव्हरी करतात। अरे वा, म्हणजे बाहेर जायची आणि कोरोनाचं टेंशन घ्यायची गरजच नाहीये। हो, बोला चिकन ऍप आताच प्ले स्टोर वरून डाउनलोड कर आणि चिकन ऑर्डर कर। बोला चिकन डाउनलोड करा, चिकनची फ्री डिलिव्हरी मिळवा।